हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप प्रमाणर और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल। दोस्तों वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दोस्तों आज मेरे एक मॉडल ने 13 बेबीज को जो है जन्म दिया है। पता नहीं कि किस तरीके से बर्थडे है, क्या हुआ, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जहाँ पे मैंने मॉलीज को लाया था और मैंने आप लोगों को बताया था, 1 वीक पहले ही मैं इन मॉलीज को लेकर आया और हाई क्वालिटी के मॉलीज थे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इन मॉलीज में से 3 मॉलीज जो है प्रेगनेंट है, 2 वाइट थे और 1 ब्लैक, और 1 वाइट ने जो है बच्चा दिया है। और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाता हूँ किस तरीके से क्या हुआ है, क्योंकि मैं खुद शॉक था सुबह देकर। तो सारी अरेंजमेंट मैंने कर लिया है, तो चलिए आइए मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरीके जो है बच्चे हैं और कितने सारे बच्चे मॉलीज ने दिए हैं। दोस्तों तो बेसिकली मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, पहले मैं ये ऑफ कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या हुआ। देखिए यहाँ पे 2 वाइट जो है हमारे मॉलीज है, राइट, तो दोनों के दोनों प्रेग्नेंट थे और 1 ब्लैक जो है मॉली है वो प्रेग्नेंट है। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ पे मैं रखता हूँ 2-3 दिन के लिए और फिर इसको ट्रांसफर करूंगा। लेकिन आज मैंने ध्यान दिया कि मेरी ये व्हाइट वाली ना एकदम स्लिम हो गई है, आप देखो बिल्कुल। फिर मैंने ध्यान से देखा नीचे, तो दोस्तों मैंने 4-5 मछलियों के जो है बच्चे को देखा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये देखिए इधर है, इधर है, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको वो देखिए। और मैं ध्यान की कोशिश करता हूँ, आई थिंक इन लोगों ने बाकी सारे को खा लिया है, तो मुझे जल्दी से जो इनको ट्रांसफ़र कर लेना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे छुपे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास जो है इस तरीके के जो अरेंजमेंट है, इसके वजह से ना ये छुपे हुए हैं। एटलीस्ट कुछ बच गए, मैंने कम से कम 3-4 तो देख ही लिया है। तो पहले तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, सबको यहाँ से निकालता हूँ पानी से, और फिर पहले फिश के जो भी फ्राइज हैं उनको निकालते हैं और उनको अलग सेपरेट करते हैं। वाओ दोस्तों, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ ही में दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, मतलब 2 वाइट में से 1 ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, और ये हमारी जो ये ब्लैक वाली ये भी है, इनको भी अलग करना ही पड़ेगा तुरंत से तुरंत, क्योंकि आज और कल में जो ये बच्चे दे ही देंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे को हम अलग करते हैं, क्योंकि एक काम करता हूँ मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ। मुझे तो पक्का लगता है कि 2-3 दिन से ज़्यादा हो चुका और सारी जो भी मछलियों के बच्चे थे उन सबको इन लोगों ने खा लिया है। मेरी ही गलती है एक्चुअली, मुझे जो ना, लेकिन यार मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि यार इन लोग 1 वीक के अंदर, आई थिंक 4-5 दिन के अंदर ही बच्चे दे देंगे। मुझे लगा था चलो थोड़ा टाइम तो लगेगा, और मैं भी बहुत बिजी था, मैं एकदम फिश पॉन्ड बना नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों मैं क्या ही बोलूं, इनको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए यहाँ पे इतने सारे हमारी ये मछलियाँ हैं, और यहाँ आपको मैं अभी दिखाता हूँ, तो दिखाता हूँ ये देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 तो मुझे यही नज़र आ गए, और इधर देखिए 3, 4, 5, 6, 7 दोस्तों बहुत सारे हैं, मतलब 7 तो दिख गए मुझे। और ये देखिए मैं अभी यहाँ पे लाइट डालकर मैं दिखा रहा हूँ आपको क्लियरली, और अभी सारे बाहर निकल रहे स्लोली स्लोली, क्योंकि सारे मछलियों को मैंने निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, तो ये लोग सारे बाहर निकलना शुरू हुए हैं क्योंकि इनको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि बड़े मछलियाँ अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो इनको एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना इनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और यही पानी हमको यूज़ करना है दोस्तों, हम लोग अलग पानी में बिल्कुल नहीं डाल सकते। अगर हम लोगों ने मछली के फ्राइज को अलग पानी में डाल दिया तो 110% वो मर जाएंगे, क्योंकि वो अभी अलग पानी को नहीं ले सकते हैं। तो बहुत ही स्लोली मुझे इनको निकालना पड़ेगा। दोस्तों आपका क्या ख्याल है कि इतने दिनों से ये यहाँ पे है, ये देखकर तो लग रहा है 1-2 दिन के फ्राइज है, राइट। किसी को कोई एक्सपीरियंस है कि कितने दिनों का फ्राइज होगा, प्लीज़ मुझे ये कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना। अगर ये बच्चे काफ़ी दिनों के हैं, लाइक 3-4 दिन हो गए हैं, तो मैं इनको बहुत बहादुर समझूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मैनेज किया अपने आप को बचाने के लिए और छुपे रहे इतने सारे बड़े बड़े मछलियों के बीच में। अगर गोल्ड फिश होता डेफिनेटली खा जाते, तो अच्छा हुआ कि गोल्ड फिश था नहीं, बाकी सिर्फ मॉलीज, प्लेटीज और हमारे जो है गपीज ही थे। तो अभी मैं ना सारे मछलियों को निकाल चुका हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे फ्राइज़ है। और अभी मैं स्लोली स्लोली यहाँ पे मेरे को एक और मिल गया यार, बाप रे, इनको पूरा पत्थर हटाने के बाद मुझे यहाँ पे लास्ट में एक और मिला। तो दोस्तों टोटल 13 फ्राइज मिले दोस्तों, 13, कैन यू जस्ट बिलीव, मतलब सच में अभी पता नहीं कि कितने सारे को इन लोगों ने खा लिया, कितने सारे मर गए, कुछ भी मुझे मरे हुए भी नहीं मिले, लेकिन सारे के सारे जिंदा मिले, मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैंने जो है एक बकेट ले लिया है जहाँ पे इसी पानी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और थोड़े से पत्थर डाल दिए ताकि इनको छुपने के लिए भी जगह मिले। वैसे छुपने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल थोड़े पत्थर डाल दिए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, यही वाला पानी, और हम अपने फ्राइज को यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये वाला बकेट बिल्कुल तैयार है, दूसरे बकेट में हमारे मॉलीज, कपीज एंड प्लेटीज हैं। तो इनको यहाँ पे पहले जो है इस पाइप को फिक्स कर लेता हूँ, और हम इसमें एरेशन भी देंगे, हल्की हल्की ऑक्सीजन देंगे इनको, और यहाँ पे अभी जो है हम अपने फ्राइज को ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों फाइनली सारे फ्राइज को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, अभी इसको थोड़ा अलग से रख देते हैं और इन फिश को जो है बैक टू फिश पॉन्ड में डालते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा बच्चे कितने प्यारे हैं, और दोस्तों 13 बच्चे हैं। उसी के साथ दोस्तों मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया तुरंत, मैंने सोचा कि चलो उस वाले शॉप को कॉल करते हैं। उनको मैंने कॉल किया, मैंने बोला भैया, क्योंकि मेरा बहुत जान पहचान का है उनका, अच्छा, तो मैंने बोला कि भैया आपके पास जितने भी मॉलीज है जो प्रेग्नेंट है सब रख दीजिए, ठीक। तो मुझे लगा था 10-15 बच्चे होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ 3 ही मॉलीज बचे हैं और तुम जल्दी आओ लेकर जाओ। और मैं गया और 3 के 3 मॉलीज मैं लेकर आया हूँ प्रेग्नेंट, और वो भी दोस्तों 3 कलर्स के, 1 ब्लैक और व्हाइट और 1 ऑरेंज। अच्छा, बाकी 3 कलर्स के जो है मॉलीज मुझे मिल गए, इसका मतलब बहुत कलरफुल बच्चे होने वाले हैं, तो मैं
बहुत एक्साइटेड हूँ आपको दिखाता हूँ कि वो तीनों मॉलिस कैसे हैं, बिल्कुल क्लोज से दिखाता हूँ और उनको मैं कहाँ रख रहा हूँ और क्या क्या अरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फिलहाल मैंने इस बकेट को उतना ज़्यादा साफ नहीं किया है, मैंने जो है सिर्फ इसकी थोड़ी गंदगी निकाली है और 30% वाटर चेंज किया है। मैं इनके नेचुरल हैबिटेट को नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ क्योंकि इसी में जो है मॉलिस बच्ची दे रही है, तो लेट इट बी। एंड देखिए ये तीनों के तीनों, मतलब यहाँ पे दो ऑरेंज है, मुझे लगा था एक ब्लैक भी है, बाय द वे एक ब्लैक तो हमारे पास है ही। और ये देखिए वाइट वाली तो बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट है, लग रही है अभी 2-3 दिन में बच्ची देने ही वाली है। तो यहाँ पे तीन है टोटल हमारे पास, दो ऑरेंज है और एक वाइट है, और हमारे पास और दो ऑलरेडी है प्रेग्नेंट। तो यहाँ पे इसको एक्वेंटेड उन्हें रख देते हैं और कुछ टाइम के बाद फिर हम जो है इनको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो दोस्तों बेसिकली हो चुका है 1/2 आवर और अभी इनको मैं लेकर आ चुका हूँ, तो इनको इसी में छोड़ देते हैं क्योंकि इनका ही ये पानी है तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। और यहाँ पे देखिए कितने सारे मछलियाँ हैं मेरे पास, लाइक 5 मॉलीज है, 3 प्लेटीज है एंड 2 हमारे पास क्या है कपीस, और इधर एडिशनल 3 हमारे पास मॉलीज है जो मैं लेकर आया हूँ। तो अब वक्त आ चुका है इनको खोलने का और डालने का। तो जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 ही बाकी है, तो ये 3 ही थे, बाकी सब जो है लोग लेकर चले गए। तो उनके पास और नया जो है ब्रीड आने वाला है, मैंने उनको बोला है कि प्रेग्नेंट जो भी आएगा तो वो रख लेने के लिए। इसको देखिए दोस्तों, इसके पेट में बहुत अंडा है अभी फिलहाल, ये ऑरेंज कलर की है, लग तो रहा है कि 5-6 डेज बच्चे दे देगी। ये छोटी सी है, ये भी जो है प्रेग्नेंट है लेकिन इसको टाइम लगेगा, लाइक 20 डेज तक तो लगेगा ही। तो दूसरी वाली वाइट है, ये काफ़ी हैवी लग रही है मुझे, हाँ इसमें काफ़ी बच्चे होंगे अभी फ़िलहाल, आई थिंक सब मैच्योर हो चुके होंगे, पता नहीं ये शायद बच्चे दे भी दे। और दोस्तों मैं वाटर कैबेजेस लेकर आया था, जैसे कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो इनको मैं गाँव से लेकर आया हूँ, तो इनको यहाँ पर अभी रिलीज़ कर देते हैं। मैंने सोचा था नए टैंक में इनको लगाने वाला हूँ, बट नया जो है मैं फ़िश पॉन्ड कल वैसे ही बनाने ही वाला हूँ क्योंकि उसमें फिर मुझे ये 5 प्रेग्नेंट जो भी हमारे मॉलीज उनको ट्रांसफ़र करना है विथ 1 मेल, ताकि इन प्रेग्नेंट मॉलीज को जो है काफ़ी स्पेस मिले और थोड़ा सा जो है प्राइवेसी भी मिले और जितने भी बच्चे हो वो सारे के सारे जो है वहाँ पे सुरक्षित रहें, आई मीन सेफ रहें। और हमारे ये फ्राइज यहाँ पे बहुत मस्त घूम फिर रहे हैं, तो इनको जो है अभी मैं थोड़ा सा खाना दे दूँगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको फ्यूचर में इस तरह के वीडियोस बहुत सारे मिलते रहे और कुछ भी डाउट रहेगा और बहुत सारे टिप्स भी आपको मिलते रहेगा। तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।